आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमारी थर्ड यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। सपोज करो हमारे पास ये कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। इसी तरह से यदि एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना चाहें तो इस नाइन को राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन। फिर दोनों साइड अंडर रूट ले तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस नाइन। अब इस माइनस नाइन को हम ले सकते हैं माइनस वन इंटू नाइन, और नाइन को अंडर रूट के बाहर ले लेंगे तो यह आ जाएगा थ्री। तो इसका सॉल्यूशन हो गया प्लस माइनस थ्री अंडर रूट माइनस वन। अब यहाँ पे जो ये अंडर रूट माइनस वन है इसकी वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो अंडर रूट माइनस वन को हम कहते हैं आयोटा। तो इस अंडर रूट माइनस वन की जगह रख देंगे आयोटा, तो इसका सॉल्यूशन आ गया प्लस माइनस थ्री आयोटा। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन। फिर दोनों साइड अंडर रूट लिया तो ये आ गया, इस माइनस नाइन को हमने लिखा माइनस वन इंटू नाइन, नाइन को अंडर रूट के बाहर ले गए तो ये जाएगा थ्री अंडर रूट माइनस वन। अब अंडर रूट माइनस वन की जगह हमने आयोटा रखा तो ये आ गया प्लस माइनस थ्री आयोटा। यहाँ पर आयोटा है अंडर रूट माइनस वन के बराबर। अब आयोटा जो है हमारी ये रियल क्वांटिटी नंबर नहीं है, ये हमारा एक इमेजिनरी नंबर है। तो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज नॉट अ रियल नंबर बट इट इज इमेजिनरी नंबर। तो जिन भी नंबर्स में आयोटा आ जाए तो हमारे नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो जिन भी नंबर्स में अगर आयोटा आ जाता है तो वो हमारा नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हमने बताया था कि आयोटा इज इक्वल टू होता है, आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस वन। अब दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन। आयोटा इज अंडर रूट माइनस वन, स्क्वायर करा तो आ गया आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। अब इस आयोटा स्क्वायर का भी स्क्वायर करिए, दोनों साइड इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ये तो हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर फोर। ये घातांकों के नियम से इसकी वैल्यू हो जाएगी आयोटा रेज टू पावर फोर। अब माइनस वन की पावर टू कितना होगा? तो माइनस वन की पावर टू होगा प्लस वन। क्यों? क्योंकि माइनस वन की पावर टू को हम लिखेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन, तो दो बार माइनस गुणा होगा तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस। तो माइनस वन की पावर टू हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि माइनस वन की पावर जब भी एक सम संख्या होगा तो रिजल्ट होगा प्लस वन। तो माइनस वन की पावर टू या माइनस वन की पावर फोर या माइनस वन की पावर सिक्स तो ये होगा प्लस वन। तो माइनस वन की पावर जब भी एक सम संख्या हो तो रिजल्ट होगा प्लस वन। तो इधर माइनस वन की पावर टू एक सम संख्या है तो रिजल्ट है प्लस वन। अगर कहीं इस तरह से आ जाए कि माइनस वन की पावर एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है तो माइनस वन की पावर वन, माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर फाइव, वन थ्री फाइव सब क्या है? ये ऑड नंबर है। तो माइनस वन की पावर में जब भी ऑड नंबर आ जाए तो रिजल्ट होगा हमारा माइनस वन। तो ये दो रिजल्ट हम बार बार यूज़ करेंगे तो ये सबको याद होना चाहिए। तो रिजल्ट है कि माइनस वन की पावर जब भी एक विषम संख्या आ जाए यानी ऑड नंबर आ जाए तो रिजल्ट इज माइनस वन, और माइनस वन की पावर में जब भी सम संख्या आ जाए यानी इवन नंबर आ जाए, यहाँ पे इवन नंबर है टू फोर सिक्स, तो माइनस वन की पावर जब भी इवन नंबर आ जाए तो रिजल्ट इज प्लस वन। अब है आयोटा क्यूब की हम वैल्यू निकालना चाहें। सपोज हम आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया माइनस वन, ये यहाँ रख दिया तो ये आ गया माइनस आयोटा।
तो आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हमने लिखा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो माइनस वन, तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसी तरह से यदि हम आयोटा रेस टू पावर 5 इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा रेस टू पावर 4, और आयोटा रेस टू पावर 4 कितना होता है अभी हमने निकाला था, दैट इज 1, आयोटा रेस टू पावर 4 होता है 1, तो यहाँ रख दिया तो आयोटा इंटू 1 विच इज इक्वल टू आयोटा। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो सपोज जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आयोटा होना जरूरी है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। और यहाँ पर x और y क्या है, अलग अलग हम देखें तो x और y रियल नंबर्स हैं, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। तो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, वेयर x एंड y बिलोंग्स टू R। सपोज हमारे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अलग अलग से देखें कि 2 क्या है, 2 भी एक रियल नंबर है, 3 क्या है, 3 भी एक रियल नंबर है, लेकिन 2 प्लस आयोटा 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे ही आयोटा आ जाएगा वो हमारा नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 3, वेयर 2 एंड 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। R जो लिख रखा है R डिनोट्स फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। नाउ z इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा वाई, ये हमने पहले बताया था जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बिना आयोटा वाली टर्म कौन सी है यहाँ पे, x, बिना आयोटा वाली टर्म में x, तो रियल पार्ट ऑफ जेड है x। इसी तरह से आयोटा का जो गुणांक है, आयोटा जिससे मल्टीप्लाई हो रखा है दैट इज y, आयोटा से गुणा हो रखा है, तो y कहलाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। तो z है x प्लस आयोटा वाई, तो बिना आयोटा वाली टर्म यानी ये x, ये तो हो जाएगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z इज x, और रियल पार्ट को हम r z से डिनोट करते हैं। इसी तरह से y क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, आयोटा से जो भी गुणा हो रखा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज y, और इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्ट में आई जेड भी लिखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आई जेड मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज वाई। तो जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स तो हो जाएगा इसका रियल पार्ट और वाई हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी सिर्फ हमें प्रॉपर्टीज याद करनी है, इसका प्रूफ नेसेसरी नहीं है, प्रूफ आप लोगों का कोर्स में नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो, x प्लस आयोटा वाई अगर जीरो हो तो x भी जीरो होगा एंड y भी जीरो होगा, दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो क्या है प्रॉपर्टी, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो है तो x भी जीरो होगा एंड y भी जीरो होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई की जगह हम लिख सकते हैं z, और x की जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, y को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं कि यदि z इज इक्वल टू जीरो हो तो रियल पार्ट ऑफ z भी जीरो होगा एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z भी जीरो होगा। किसी भी तरीके से याद करो पर प्रॉपर्टी हमें ध्यान में होनी चाहिए। नाउ प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी सेकेंड है कि यदि x वन प्लस आयोटा वाई वन इज इक्वल टू है x टू प्लस आयोटा वाई टू, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, एक है x वन प्लस आयोटा वाई वन, दूसरा x टू प्लस आयोटा वाई टू, ये दोनों बराबर हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इसका मतलब इसका बिना आयोटा वाली टर्म बराबर होनी चाहिए और आयोटा वाली टर्म बराबर होनी चाहिए। तो इधर बिना आयोटा वाली टर्म है x वन और इधर है x टू, तो x वन मस्ट बी इक्वल टू x टू। इसी तरह से आयोटा के गुणांक भी बराबर होना चाहिए, आयोटा किससे गुणा हो रहा है यहाँ पे y1 से और इधर y2 से,
तो y1 मस्ट बी इक्वल टू y2। इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे तरीके से इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये इसको x1 प्लस आइटा वाई1 को हम z1 कह देते हैं, x2 प्लस आइटा वाई2 को हम z2 कह देते हैं। तो यदि z1 इज इक्वल टू z2 हो तो इनके रियल पार्ट जीरो बराबर होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हों तो उनके रियल पार्ट भी बराबर होंगे एंड इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होंगे। ये हमारी है सेकेंड प्रॉपर्टी। तो हम किसी तरह से भी याद कर सकते हैं, चाहे इस तरह से चाहे ये सेकेंड वाले तरीके से। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। तो सपोज करो z1 है x1 प्लस आयोटा y1, z2 है x2 प्लस आयोटा y2। z1 और z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इनको ऐड करना चाहेंगे तो z1 प्लस z2 करें, इनको ऐड करेंगे तो पहले z1 की वैल्यू रख दी फिर z2 की वैल्यू रख दी। अब ऐड करते समय हम क्या करते हैं, बिना आयोटा वाली टर्म को एक साथ ऐड कर लेंगे और आयोटा वाली टर्म को एक साथ ऐड कर लेंगे। तो इधर x1 और x2 इन दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो यह जाएगा x1 प्लस x2। फिर आयोटा वाली टर्म कौन सी है, आयोटा y1 एंड आयोटा y2, आयोटा y2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आयोटा कॉमन निकाल लिया इसमें से और लिखा y1 प्लस y2। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे तो हम क्या करते हैं, बिना आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे और आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिख लेंगे। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये जेड वन माइनस जेड टू, तो जेड वन की वैल्यू रख दी माइनस जेड टू की वैल्यू रख दी। और हमेशा चाहे हम ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, एंड में हमें क्या करना पड़ता है, बिना आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं और आयोटा वाली टर्म को एक साथ लिखते हैं। तो इधर बिना आयोटा वाली टर्म क्या है, x1 और इधर x2, तो x1 माइनस x2 को एक साथ लिख लिया प्लस आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म लिखेंगे तो इधर आयोटा वाली टर्म में आयोटा वाई1 और इधर है आयोटा वाई2 विद नेगेटिव साइन। तो इन दोनों में से आयोटा बाहर निकाल लिया तो यह वाई1 माइनस वाई2। तो ये हमारा हो गया जेड1 माइनस जेड2, दिस इज अवर जेड1 माइनस जेड2। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। नाउ मल्टीप्लिकेशन, तो z1 इंटू z2 करें तो z1 की वैल्यू रखेंगे x1 प्लस आयोटा y1 इंटू z2 की वैल्यू रखेंगे x2 प्लस आयोटा y2। ये z1 ये z2 इन दोनों को गुणा करें तो पहले हम क्या करेंगे, x1 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे प्लस आयोटा y1 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो पहले हमने x1 को करा गुणा x2 प्लस आयोटा y2 से, फिर प्लस आयोटा y1 को गुणा करा x2 प्लस आयोटा y2 से। अब ये ब्रैकेट भी हम खोल लें तो ये वाला ब्रैकेट खोला तो हमें x1 को x2 से गुणा करेंगे तो ये x1 x2 हो गया, फिर x1 को आयोटा y2 से गुणा करेंगे तो आयोटा x1 y2 आ गया प्लस आयोटा y1। अब ये वाला ब्रैकेट भी खोलेंगे तो आयोटा y1 को x2 से गुणा करें तो जाएगा आयोटा x2 y1, फिर इस आयोटा y1 को इस आयोटा y2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस आयोटा स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस वन और इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने ये x1 x2 लिखा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लिया, फिर इस आयोटा स्क्वायर की जगह दी माइनस वन। अब एंड में हम क्या करते हैं, बिना आयोटा वाली टर्म को एक साथ लेंगे तो इस x1 x2 और ये माइनस वाई वन वाई टू इसको हम पहले लिख लेंगे, पहले बिना आयोटा वाली टर्म आ गई है प्लस फिर ये आयोटा वाली टर्म को हमने उतार लिया। तो ये आ गया हमारा जेड वन इंटू जेड टू। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बस ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें एंड में हमें क्या करना पड़ता है, बिना आयोटा वाली टर्म को पहले लिखेंगे प्लस फिर आयोटा वाली टर्म को लिखेंगे।
अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम पढ़ेंगे जेड वन अपॉन जेड टू, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम निकालेंगे जेड वन अपॉन जेड टू। तो जेड वन की वैल्यू रख दी हमने एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, जेड टू की वैल्यू रख दी एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब जब भी हमारे इधर डिनोमिनेटर में यंश है, ऊपर वाली चीज यंश, नीचे वाली चीज कहलाती हर, यानी ये इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर। तो जब भी नीचे की साइड यानी डिनोमिनेटर या हर में आयोटा आ जाए, नीचे की साइड अगर आयोटा आ जाए, तो हम सबसे पहले इस आयोटा को रिमूव करते हैं, इस आयोटा को हटाने की कोशिश करते हैं। और आयोटा कैसे हटेगा कि नीचे जो भी चीज़ आ रही है, जैसे एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू आ रही है, तो नीचे जो भी चीज़ आ रही है उसमें आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो और उस चीज़ से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये नीचे आ रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई टू, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दो तो क्या जाएगा, एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू। तो अब हम एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमने गुणा करा। अब इसमें हम ध्यान से अगर देखते हैं तो नीचे इधर आ रहा है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू और इधर आ रहा है एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू। इधर भी एक्स टू है, इधर भी एक्स टू, इधर आयोटा वाई टू, इधर भी आयोटा वाई टू, बस इधर प्लस साइन है, इधर माइनस साइन है। तो जब भी इस तरह की चीज़ आती है तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए एक गुणनखंड यूज़ करते हैं, फैक्टर यूज़ करते हैं, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फैक्टर इसको यूज़ करेंगे। ये फैक्टर कब यूज़ होता है, जब सिर्फ बीच का साइन चेंज हो, बाकी सब चेंज है, इधर ए है, इधर ए है, इधर भी, इधर भी, बस इधर प्लस साइन, इधर माइनस साइन है, तभी हम यूज़ करेंगे। तो इस फैक्टर को हम यूज़ करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू इंटू एक्स टू माइनस आयोटा वाई टू। तो ए की जगह एक्स टू, बी की जगह आयोटा वाई टू। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर माइनस आयोटा वाई टू का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऊपर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया है। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले आती है बिना आयोटा वाली टर्म। तो इन दोनों के गुणा में, इन दोनों के गुणा में बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब x1 को x2 से गुणा करेंगे। तो ये आ गया x1 x2। और दूसरी बिना आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब हम इस आयोटा y1 को इस आयोटा y2 से गुणा करेंगे। तो इसको हमने रफ में लिख लिया कि ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी माइनस वन, तो ये गया माइनस माइनस वन वाई वन वाई टू, और माइनस माइनस गुणा हो गया वाई वन वाई टू। तो जब हम इस आयोटा वाई वन को इस माइनस आयोटा वाई टू से गुणा करेंगे तो ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस माइनस वन वाई वन वाई टू, तो यह आ जाएगा प्लस वाई वन वाई टू। तो यहाँ पे हमने रख दिया वाई वन वाई टू। तो इन दोनों के गुणा में बिना आयोटा वाली टर्म कब मिली, जब एक एक्स वन एक्स टू को गुणा करेंगे तो आगे एक्स वन एक्स टू, दूसरा आयोटा वाई वन को आयोटा माइनस आयोटा वाई टू से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू। ये हम रफ में करके देखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस वाई वन वाई टू। अब हम आयोटा वाली टर्म लिखेंगे प्लस आयोटा। अब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब जैसे इस आयोटा वाई वन को एक्स टू से गुणा करो। एक आयोटा वाली टर्म होनी चाहिए, एक बिना आयोटा वाली टर्म। इधर आयोटा वाली टर्म ले लिए आयोटा वाई वन, तो इधर एक्स टू। तो आयोटा वाई वन को एक्स टू से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आयोटा एक्स टू वाई वन। तो ये हमने इधर लिख दिया, आयोटा हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। दूसरी आयोटा वाली टर्म कब मिलेगी, जब इस एक्स वन को इस माइनस आयोटा वाई टू से गुणा करेंगे। तो आयोटा तो बाहर है ही, तो आ जाएगा माइनस एक्स वन वाई टू। तो इस तरह से ऊपर इन दोनों का गुणा हमने डायरेक्ट मेथड से लिख लिया। नीचे तो ये आ ही गया था एक्स टू स्क्वायर माइनस आयोटा वाई टू का होल स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर वाई टू स्क्वायर। इसके बाद इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी हम माइनस वन रख दें, इधर रख दिया। फिर ये माइनस और माइनस गुणा होके हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट स्टेप में हो गया प्लस। ठीक है, तो ये आ गया x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइडेड बाय
एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर। अब इसको हम और अरेंज करके लिख रहे हैं, अरेंज करके कैसे लिखेंगे कि दिस ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दिस, तो आ जाएगा एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर प्लस आयोटा। अब इसको हम इससे करें तो एक्स टू वाई वन माइनस एक्स टू वाई वन, एक्स टू वाई वन माइनस एक्स वन वाई टू डिवाइडेड बाय एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न करेंगे। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीज़न करें तो लास्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये लास्ट वाली स्टेप हमने यही करी है। थैंक यू।